एकादशी के पर्व पर राधा कृष्ण खाटू श्याम मंदिर में हुआ भव्य सिंगार। वहीं महिलाएं ढोलक मचीरा के साथ झूमने लगी। आपको बताते चले, यह तस्वीर जनपद कन्नौज के चौकी तलैया में राधा कृष्ण खाटू श्याम मंदिर की है, जहां पर एकादशी के पर्व पर मंदिर में रंगीन लाइटें और गुब्बारे फूल माला से सिंगार किया जाता है। वहीं सिंगार में मंदिर में आरती के समय भक्तों का जन सैलाब देखने को मिला। बता दें, राधा कृष्ण खाटू श्याम का यह मंदिर 125 साल पुराना है। स्थानीय लोगों ने मंदिर का पुनर्निर्माण 2 माह पहले कराया है। मंदिर में बाबा खाटू श्याम की मनमोहक मूर्ति की स्थापना भी हुई। मंदिर में जो कोई भक्त मनोकामना करता है, बाबा उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वहीं मौजूद महिलाओं ने ढोलक मंजीरा के साथ में बाबा के गीत गाए। खाटू श्याम के भक्त नाचते कूदते बाबा निशान लेकर पहुंचे मंदिर। कन्नौज से संवाददाता शिवम सैनी की खास रिपोर्ट। आज बाबा जय श्री श्याम। मैं पंडित राजीव दुबे, बाबा श्याम भक्त। आज बाबा की 11 है। भक्त उत्साह के साथ आए हुए हैं। ये सराय मीरा से भक्त आए हुए हैं और ये आनंदमय होते हुए बाबा का जयकार लगाते हुए सराय मीरा से ढोल नगाड़ों के साथ बाबा का आनंद लेते हुए भक्तों के काफ़ी लौ लश्कर के साथ भक्तों के साथ आनंद लेते हुए बाबा श्याम के मंदिर आए हुए हैं। मंदिर के बारे में क्या बताएं? मंदिर बाबा श्याम का कलयुग के अवतार हैं। ये कलयुग के भगवान माने जाते हैं। जो भक्त इनके मंदिर में सच्चे मन से आता है, उसका बेड़ा पार होता है और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। ये काफ़ी पुराना मंदिर है, पूर्वजों ने बनवाया था। अभी इसका जीर्णोद्धार हुआ है, तो अभी लमसम 2 या 3 माह हुए हैं। 3 माह में बाबा की कृपा यहाँ अपार है और भक्त 11 को आते ही एक अपार हैं काफ़ी जनसंख्या में। और उसके बाद पर डे आरती सुबह शाम दोपहर में आरती में खूब आनंद के साथ यहाँ गाने बजाना करते हुए खूब भक्तिमय होते हुए बाबा का जयकारा लगाते हुए प्रसन्न होते हुए खूब आनंद लेते हैं।